राजस्थान के शहर शहरी आक्रोश राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या पर फूटा है। इस वक्त राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। कहीं पर चक्का जाम है, कहीं पर आगजनी तो तोड़फोड़ की खबरें हैं, कहीं पर उग्र धरना प्रदर्शन जारी है। इस बवाल की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए तीन वीडियो को पहले गौर से देखिए। पहला वीडियो कैमरे में कैद सनसनीखेज हत्याकांड, दूसरा वीडियो राजस्थान में हत्या पर मचा बवाल और तीसरा वीडियो कुछ महीने पहले अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए सुखदेव सिंह ने गहलोत सरकार को घेरा था। आरोप यही है कि सरकार को पता था कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह दुश्मनों की हिट लिस्ट पर थे। सुखदेव सिंह ने गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल यही है कि सुखदेव को निशाना बनाकर कहीं राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं रची गई, जिसकी वजह है हत्या की टाइमिंग और हत्या के पीछे सामने आए नाम। दरअसल हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है, वही रोहित गोदारा जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई के तार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़े हुए हैं। यानी सुखदेव सिंह की हत्या के पीछे खूंखार गैंग का हाथ है। सवाल यही है कि सुखदेव सिंह की हत्या क्यों की गई, अभी इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। जो हमें फुटेज मिले थे उसके आधार पर काफी हद तक मुलजिमों को चिन्हित कर लिया गया है, उसके लिए टीम्स लगी हुई हैं और लगातार दबिशें दी जा रही हैं और बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे ऐसा हमें विश्वास है। इसके अलावा जो मांगे रखी गई थी समाज की तरफ से उसके ऊपर भी विचारण चल रहा है। सीसीटीवी से शूटरों की पहचान हो गई। शूटर नवीन शेखावत, रोहित और नितिन फौजी। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों शूटर शादी का कार्ड देने के बहाने मिलने आए और मौका देखकर सुखदेव सिंह की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शूटर किराए की एसयूवी से सुखदेव सिंह के घर पहुंचे थे, मतलब सब कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुखदेव सिंह पर तनातन गोलियां दागने वाला कोई खूंखार शूटर नहीं बल्कि सेना का एक फौजी नितिन है, मतलब हत्याकांड में शूटर का जिम्मा एक फौजी को सौंपा गया। जांच में सामने आया है कि नितिन हरियाणा का रहने वाला है, अभी फौज में है और अलवर में पोस्टिंग पर था। घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले नितिन छुट्टी पर आया था। ये नितिन करते क्या है? नितिन फौज में नौकरी करते हैं, 19 जाट रेजिमेंट में, अलवर में पोस्टेड जी। अच्छा, ये घटना में उनका नाम आया है, इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? ये घटना में नाम शक के आधार पर लिया जा रहा है, क्योंकि नितिन गाड़ी ठीक करवाने के लिए 9 नवंबर को गया था। 9 नवंबर को 5 बजे के बाद में हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं, हम क्या बता सकते हैं। नितिन 2019 में फौज में भर्ती हुआ और 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी पर घर आया और फिर ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा। आरोप यही है कि हत्याकांड से पहले नितिन फौजी एक अपहरण कांड में शामिल भी हुआ था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौका वारदात से फरार हो गया था। ये मामला राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस इसकी तस्दीक के आदेश अनुसार जो भी मेरे से बने बनेगी और होगा मैं सहयोग करूंगा राजस्थान पुलिस का, जैसे भी होगा मैं आपको बता दूं। वहीं दूसरा शूटर नवीन सिंह शेखावत भी सुखदेव को पहले से जानता था। नवीन को सुखदेव की सिक्योरिटी और मूवमेंट के बारे में पता था, यही वजह है कि पुलिस हत्या की गुत्थी में उलझी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।